आइए, आपका इंतजार था। हेलो एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट अमेज़ॉन का जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल होता है और बिग बिलियन डेज जो कि फ्लिपकार्ट का होता है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 26th of September से। मैं इस सेल का सच कहूँ तो बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी, तो मुझे जो भी मंगाना था ना, मैंने फटाफट से, जैसे ही सेल स्टार्ट हुई थी ना 26 को, मैंने फट से ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि 2 साल पहले मैंने अपना आईफोन 13 ऑर्डर किया था, तब मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी और मुझे जो फ़ोन लेना था वो मुझे मिला ही नहीं था, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि ये भी चीज़ ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैंने उसी दिन ही ऑर्डर कर दिया था। सो फाइनली मेरा पैकेज आ चुका है, ये। तो जो सबसे पहला पैकेज है वो है मेरा GoPro। ये वाला ऑर्डर ना कल ही आ गया था शाम पे, बट मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के इसको ओपन नहीं किया है। मैंने सोचा कि हम साथ में अनबॉक्सिंग करेंगे, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स अनबॉक्स इट। सुपर एक्साइटेड। दिस वॉज वन ऑफ माई ड्रीम। जब मैंने YouTube स्टार्ट भी नहीं किया था ना, तब से मैं सोचती थी कि मेरे को एक कैमरा चाहिए है। मैंने कब ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे GoPro चाहिए, बट हाँ, आई वॉज श्योर कि मैं एक कैमरा तो लूँगी, क्योंकि मेरे को पहले से फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो या, तो ये है मेरा GoPro 10, और मैंने 10 इसलिए लिया है क्योंकि अभी जो रीसेंट कलेक्शन आई है उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे बजट में जो था मैंने वही लिया है। अनबॉक्स करने से पहले सबसे बड़ी चीज़ जो आती है, ये कितने का है, तो इसमें आई कैन सी द रेट यार, 54,500 लिखा है, तो मुझे कितने का मिला है आप ना सुन के चौंक जाओगे। इसको मैं पहले भी देख रही थी, ठीक है, 2-4 महीने पहले, तो इट वाज अराउंड फॉर 27,000 समथिंग कुछ था, तो ऑन टोटल 28,000 का था, बट गाइस मुझे सेल में मिली है ये सिर्फ और सिर्फ, आई विल टेल यू, 20,738 रुपए का ये मुझे मिला है, एंड आई एम सुपर हैप्पी। हम जैसे लोगों को अगर सेल में थोड़ी सी भी ऐसे कम प्राइस में कुछ चीज़ें मिल जाती है ना, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करें, पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और ऐसा तो नहीं है ना 20,000 में हमें अंदर पत्थर डाल के दे दिया है, तो इसको अपन अनबॉक्स करके देखेंगे। इसमें सारी चीज़ें लिखी है, 24 मंथ की वारंटी है और 23 मेगापिक्सल कैमरा है, 5.3K में वीडियो शूट होगी, बट मैं जनरली अपने आईफोन से शूट करती हूँ, तो इट इज़ समथिंग लाइक 4K में शूट होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यार इसमें, तो इसको करते हैं ओपन। किधर से ओपन होगा? अच्छा हाँ, यहाँ से। आइए, आपका इंतजार था। ओहो, ऐसे अंडे की ट्रे होती है ना, वैसे लग रहा है, कुछ अलग सा ऐसे मस्त सा बॉक्स, तो अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ द GoPro। ये कुछ मैनुअल वगैरह आया है, ये भी कुछ मैनुअल है। अरे यार, मेरे को ये ही नहीं पसंद आता है, ये वाला जो मटेरियल होता है ना, ये बहुत ज्यादा ना ऐसे डस्ट अट्रैक्ट करता है। चलो छोड़ो जो भी है। सो दिस इज द GoPro। कितना क्यूट है यार, मेरी तरह कितना छोटू सा है। बस बताऊँ, मेरे को GoPro इसीलिए लेना था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैंडी है, देखो एकदम हाथ में आ जा रहा है, एकदम फिस्ट में, तो बस यही वाली चीज़ चाहिए थी, क्योंकि ट्रैवलिंग के समय में ना बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी कुछ जो मटेरियल्स होते हैं, कैमराज होते हैं, वो सब उठा नहीं सकते, इसलिए दिस इज वेरी हैंडी, वेरी नाइस। एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही है। One eternity later. So guys, this is my GoPro 10.
बहुत अमेजिंग लुक है यार, बहुत अमेजिंग लुक, वेरी नाइस। ये फ्रंट है, ये बैक होगा, और ये वाली बैटरी पैनल होगी। देखो मैं भी फर्स्ट टाइम GoPro देख रही हूँ, मेरे को भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, तो भाई YouTube जिंदाबाद, में YouTube से सीख जाऊँगी कि इसमें क्या कुछ कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, वो सब मैं करूँगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी अपना इसमें शूट करके कि कैसे मुझे कैसा लगा, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। आई शो दैट लेटर, दिस वॉज जस्ट अनबॉक्सिंग वीडियो एंड आई एम जस्ट लविंग इट। ऐसा लग रहा है ये मेरा बच्चू है, I just love my GoPro। एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं यार, पता नहीं है ऑन होगा कि नहीं या चार्ज कैसे होता है, तो ऑन नहीं हो रहा है। देखो ना, मुझे ना अभी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा सीख वीख के आती हूँ, उसके बाद इसको ओपन करके मैं देखूंगी, मेरे को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस कैमरा, हमारे को आया है इसका केबल, ये भी सी टाइप है। ओ ओ ओ ओके ओके, इधर पे ऐसा है और इधर पे सी टाइप है ना। तो थैंकफुली मेरा जो सैमसंग फ़ोन का अडेप्टर है उसके साथ ये आई थिंक ईजिली यूज़ हो जाएगा, सो आई हैव इट। उसके बाद ये सब दिया है माउंटिंग गियर्स, ये सब माउंट करने के लिए है। And this is the cute little battery. हाँ ये है यार बैटरी, जब तक बैटरी नहीं डालूंगी ऑन कैसे होगा यार। प्यारी समझ गई। तो बैटरी डालना पड़ेगा, उसके बाद ऑन करूंगी मैं इसका। मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया है इसको, बहुत ज़्यादा मैंने सोच समझ के लिया है, जस्ट नॉट बिकॉज कि मैं YouTube चलाती हूँ, बट इट वॉज़ वन ऑफ माई ड्रीम टू गेट कैमरा फॉर माई सेल्फ। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि यार मैं GoPro लूँगी, क्योंकि ट्रैवल करते समय ना मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, कई बार होता है कि फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है या फ़ोन हर जगह अलाउड नहीं होता है, सो या GoPro वहाँ पे वर्क करेगा। अपार्ट फ्रॉम GoPro मैंने सेल से एक और चीज़ ली अपने लिए, वो है ये फ़ोन। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने कल ऑलरेडी कर ली थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था मुझे इसको कल अनबॉक्स करना, क्योंकि मेरा जो एक और फ़ोन था मैंने उसको एक्सचेंज करके ये वाला फ़ोन लिया है। सो यप, दिस इज़ माई Samsung M35। कितना मस्त लग रहा है ना, आई लव दिस कलर। जब मैं इसको ऑर्डर कर रही थी ना, तो मैंने बिना देखे, बिना कलर चूज किए, मैंने जो सामने आया मैंने उसको ऑर्डर कर दिया था, एंड लकीली इसका कलर इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा, आई एम जस्ट लविंग इट, लविंग इट। बहुत अमेजिंग कलर है, और ट्रस्ट मी गाइज, मैंने ये फ़ोन एक दिन इस्तेमाल किया है एंड दिस इज़ अमेजिंग। इसकी बढ़िया बड़ी स्क्रीन है, उसके बाद ट्रिपल कैमरा है, प्लस ये पकड़ने में उतना ज़्यादा लाइट वेटेड भी नहीं है, थोड़ा मॉडरेट वेट टाइप का है, बट हमें को एक होता है कि बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है, क्योंकि मेरा जो आईफोन है उसकी छोटी स्क्रीन है, इसलिए कुछ देख वीडियोज़ एंड ऑल देखने के लिए इसकी स्क्रीन अच्छी है, बड़ी है। टच पैनल बहुत ज़्यादा स्मूद है, अमेजिंग है, और ओवरऑल मुझे तो सैमसंग के सारे फ़ोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं बहुत सालों से सैमसंग ही यूज़ कर रहा। जो लास्ट वाला सैमसंग फ़ोन था M30S था, उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये में लिया था, और उसको मैंने 5 साल इस्तेमाल किया है। आई बॉट दैट इन 2019, और अभी 2024 चल रहा है, अभी मैंने 2 दिन पहले उसको एक्सचेंज करके ये वाला फ़ोन लिया है। तो डेफिनेटली सैमसंग की जो अब ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, प्लस पहले जब मैं सैमसंग यूज़ करती थी तो बहुत ज़्यादा फ़ोन हैंग होता था, पर अब उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी कर दी गई है इसकी सॉफ्टवेयर अपडेटिंग जो भी होती। देखो भाई, जो गैजेट्स एंड ऑल की बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल डिटेल्स होती है मुझे उतनी ज़्यादा आती नहीं है, बट हाँ मेरे को फ़ोन एंड ऑल सब कुछ, मेरे को जितना काम पड़ता है उतना अच्छे से चलाने आता है, तो मुझे समझ आ गया कि ये वाला फ़ोन जो है वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो इसका जो ओरिजिनल रेट लिखा है ना इसके बॉक्स में, ये लिखा है कहाँ चला गया, हाँ 24,499 रुपीज़, बट ये मुझे अमेज़ोन पे कुछ 19,000 रुपये का दिखा रहा था, और बाकी ऑफ़र एंड ऑल मिला करके, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स लगा करके, मुझे ये फ़ोन सिर्फ और सिर्फ 13,000 में मिला है, कुछ 12,900 कुछ, तो 13,000 आप लगा लो।
ये है 6 GB रैम विथ 128 GB स्टोरेज, और 128 GB इस फ़ोन के लिए मेरे लिए एनफ है। मेरा जो iPhone है वो 256 GB है, बट उसके लिए मेरे को अलग से हार्ड डिस्क लेनी पड़ी है, क्योंकि वीडियो शूट वगैरह होती है उसमें हैवी क्वालिटी होती है तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज लेता है, और iPhone में तो वैसे भी स्टोरेज की दिक्कत होती ही है। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं iPhone सिर्फ अपने YouTube चैनल के लिए रखी हूँ, और Android जो होता है मेरा रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है, चाहे मेरे हॉस्पिटल के काम हो, मेरे पेशेंट्स हों, जो भी मेरा सब काम मेरे एंड्रॉयड में होता है। सो आई नीडेड दिस फोन बैडली, एंड आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग डील, मेरे को बहुत अच्छे प्राइस में मिला है, 13,000 में इतना अच्छा फ़ोन। प्लस आजकल ये जो सारे सैमसंग वाले हैं वो भी ऐसा सी टाइप केबल देते हैं, इस फ़ोन के साथ यही वाला आया है। लकीली मेरे पास आईफोन का अडैप्टर है तो वो इसमें सेट हो गया, तो मुझे कुछ अलग से लेना नहीं पड़ा, नहीं तो मुझे इसके लिए अलग से अडैप्टर बाई करना पड़ता। तो यही था मेरा परचेस अभी सेल में, और मैंने ये सारी चीज़ें ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अमेज़ॉन से मंगाई है। अम्मा जान यार बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मेरे को ना आज तक कोई ऐसा डिफेक्टिव या गलत प्रोडक्ट वहाँ से तो कभी भी रिसीव नहीं हुआ है लकीली। सो ऑन टोटल मेरे को 35,000 में फ़ोन प्लस मेरा GoPro मेरे लिए दोनों आ गया वो चीज़। प्लस अभी GoPro के लिए बहुत सारी एक्सेसरीज़ लगेंगी, जैसे उसका हैंडल हो गया, एक्स्ट्रा बैटरीज़ हो गई, और उसका मैं एक केस एंड ऑल सब कुछ लूँगी तो उसके लिए थोड़ा अलग खर्चा लगेगा, उसमें भी आई थिंक 7-8 हज़ार का तो खर्चा उसमें आ ही जाएगा। एंड दिस वॉज द ओनली रीज़न कि आई वेंट फॉर GoPro 10, क्योंकि अगर मैं 12 या 13 लेती तो वो 45-50,000 का आता, तो वो मेरे बजट के बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा था। और यार जब आप खुद पैसे कमाते हो और अपने पैसों से चीज़ें खरीदते हो ना, तो ऐसे ना दिल पे लगती है। जब तक ऐसे पापा के पैसे होते थे ना तो कुछ सोचती नहीं थी मैं भी, बट अब जब मैं अपने पैसे कमा रही हूँ और अपने पैसे खर्च कर रही हूँ ना, तो एक एक चीज़ का मैं हिसाब रखती हूँ कि क्या चीज़ कैसे कहाँ लेनी है। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं सेल का इंतज़ार कर रही थी। मेरे को ऑन टोटल दोनों मेरे प्रोडक्ट्स को मिला करके अराउंड 14-15 हज़ार का ऑफ़र तो मिला है। एंड दिस इज़ द गोल्डन पीरियड टू बाई कुछ भी ऐसी बहुत महंगी चीज़ें, क्योंकि सेल में थोड़ी तो सस्ती मिल जाती है। एंड दिस कैमरा मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है इसको, एंड ट्रस्ट मी गाइज मैनिफेस्टेशन वर्क्स। मैंने जो जो भी चीज़ें सोची है ना, मैं अभी तक वो सारी चीज़ें या तो लेती गई हूँ या तो मैं अचीव करती गई हूँ। सो या आप भी अपने सारे जो छोटे छोटे ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट करो, मैनिफेस्ट करो। हाय हाय, इतना सुकून। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वर्क हार्ड फॉर अचीविंग दैट ड्रीम एंड दैट मैनिफेस्टेशन। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आपको करना भी पड़ेगा। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। सो आई होप यू ऑल लाइक इट, और मैं प्रे करूँगी कि आपके भी सारे मैनिफेस्टेशंस और ड्रीम्स कम्प्लीट हो। सो या प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बाय, लव यू ऑल।